कोशिश तो हमारी भी है दफा दिल्ली देखने का। हाँ जी हाँ जी, बस ये भी से कई सारा मसला। हाँ जी सही बात है। ओह माय गॉड, मैं पाकिस्तान आ गया। पासपोर्ट चेक किया और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए, काफ़ी स्मूथ था पाकिस्तान इमिग्रेशन भी। तो गाइस मैं फाइनली पाकिस्तान में एंटर कर चुका हूँ। अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पे कोविड टेस्ट चेक कर रहे डॉक्यूमेंट्स। सो ये करतारपुर साहिब, ये पाकिस्तान का फ्लैग भी दिख रहा होगा। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, काफ़ी मतलब एक ही जैसे ही लोग हैं लेकिन डिफरेंट कंट्री। सो इट्स बहुत ही अच्छा लग रहा है। एज यू कैन सी दिस इज पाकिस्तान गाइस। ओह माय गॉड, मैं पाकिस्तान आ गया। दिस इज सो गुड। अभी यहाँ पे अपना चेक करा लेते हैं टेस्ट वगैरह, उनको रिपोर्ट दिखा देते हो, फिर चलते आगे। कैसे लग रहा है पाकिस्तान में आगे? बेहतरीन लग रहा है। अभी सोचे नहीं थे आएंगे, बट जब वो बोर्ड आया वेलकम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ्लैग देखा, लगा ऐसा नहीं लग रहा, काफ़ी इमोशनल था कि दूसरी कंट्री में आप जा रहे हो। अभी और आप अंदर इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, वो और बेहतरीन होने वाला है। ऊपर से आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो हाँ आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। तो इफ़ somebody इज़ वॉचिंग फ्रॉम पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। अगर आप लोग डॉलर लेके नहीं आए ना तो यहाँ से एक्सचेंज करा सकते हो। अगर आपके पास डॉलर्स है तो यहाँ से आप सीधा जाके अपना $20 पे करो, फिर वहाँ से आपको ये रिसीट देंगे। सो काफ़ी सही है यार, ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ और इतने अच्छे तरीके से लोग वेलकम कर रहे हैं। तो इट्स प्रीटी ऑसम यार, ऑसम। काफ़ी मतलब अजीब सी फीलिंग, अजीब सी तो नहीं, बहुत ही मतलब डिफरेंट फीलिंग है पाकिस्तान आना। तो सब लोग सरप्राइज हो रहे होंगे मुझे पाकिस्तान में देख के। सो गुड, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभी चलते $20 पे करते, आगे इंटर करते। सो डॉलर एक्सचेंज हो गए, पाकिस्तानी करेंसी भी ले ली है। सो अभी यहाँ पे तो कोई है नहीं, आई थिंक एंट्री हो गई है पाकिस्तान में। तो पता नहीं अंदर अलाउड है कि नहीं फिलहाल। अभी ये पाकिस्तानी इमिग्रेशन है। तो बस अभी ये मेरा सारा कुछ हो गया, तो चलते वेलकम टू पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तानी इमिग्रेशन में हमको हमसे चेक किया गया, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, $20 जो एक्सचेंज किया था वो उन्होंने लिया, और पासपोर्ट चेक किया और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए। काफ़ी स्मूथ था पाकिस्तान इमिग्रेशन भी। सो और मेरे साथ भाई भी है। क्या नाम है भाई आपका? नाम तक नहीं पूछा भाई। बाल मुकुंद है ये भी दिल्ली से ही आया है। सो कैसा रहा पाकिस्तानी इमिग्रेशन? बहुत स्मूथ रहा। बेसिकली पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, कितना दूर पड़ता है, बस और तो कुछ नहीं, बहुत स्मूथ रहा है। मतलब जो फॉर्मल्स जो रिक्वायरमेंट होते हैं ना वही वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे इंटरोगेट कर रहे हैं या कुछ। सो मतलब पहली बार मैंने इमिग्रेशन किया क्योंकि मैं बाहर तो कभी ट्रैवल नहीं किया। सो पहले से पहले नेपाल ट्रैवल किया है, बट कभी वहाँ पे ऐसा पासपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं। थाईलैंड जंबो पासपोर्ट ले लिए थे कोविड का टाइम से, तब से ये सादा ही पड़ा है। हाँ सो कोई नहीं, आज यूज़ में आया। हाँ कभी मौका मिला कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमको वीज़ा दिया तो ज़रूर पाकिस्तान एक्सप्लोर करेंगे। बट या मतलब काफ़ी अच्छा है यार, यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे, जो जैसे जो मीडिया में बोलते हैं ना कि ये है फलाना है ढिमकाना, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन सब वेलकमिंग है सर। आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है तो सभी को अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी सारे बैलून्स वगैरह लगे हुए हैं इधर, तो अभी शायद यहाँ पे स्कैनिंग होगा जो भी गैजेट्स वगैरह है, एक और एंट्री होगा, फिर आगे बताते हैं कैसा रहता है। चलते हैं यार।
लगा आपको इधर आके? अच्छा लग रहा है। आइए आइए। अच्छा ही है जी, कहाँ से आए आप? पंजाब से। पंजाब से। इनको अच्छा लग रहा है पाकिस्तान में आके, आपको कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते अभी एंटर करते हैं। तो एंटर कर चुके हैं, अब यहाँ पे जूते सबमिट कराते हैं, फिर घूमते हैं। क्या नाम है पाजी? हम योरीम, वैसे बिला बिला करते हैं। बिला, वैसे नाम क्या? योरीम। योरीम, आप कहाँ से? नारवल से। नारवल डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट नारवल। अच्छा, जिला भी और तहसील भी नारवल है। अच्छा, हम नहीं जा सकते पाकिस्तान? नहीं नहीं, करतारपुर के अंदर। करतारपुर तक बाहर जाना, फिर उधर वीज़ा लगवा देना। ऐसा बोल दीजिए कि हमें भी वीज़ा दे दे। ठीक है, वीज़ा ठीक है सर, थैंक यू। सो गाइस, ये लॉकर रूम है, तो अगर आप लोग अपने बैग्स वगैरह लेके आए हो तो यहाँ पे रख सकते हो। चाबियाँ लगी है तो आप लोग रख सकते हैं यहाँ बैग वगैरह। वैसे मेरे पास इतना कुछ बड़ा बैग नहीं है, ये छोटा सा बैग है तो मैं रखूँगा नहीं, तो अगर आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं ये लॉकर रूम में। सो आप सभी लोगों को दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे में वेलकम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ विज़िट करूँगा, बट बाबा गुरु नानक देव जी की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं यहाँ हूँ पाकिस्तान में, श्री करतारपुर साहिब, जो कि अलग फीलिंग है यार, बहुत ही अच्छी जगह है, देख सकते हैं आप लोग। हेलो भाई जान, कहाँ से आप? फैसलाबाद। हेलो सर, कहाँ से आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान। कामरान आपका? अच्छा, इधर घूमने आए आप लोग, तो आप लोग अंदर नहीं जा सकते क्या? नहीं नहीं, अंदर जाए गेट पे, लेकिन यहाँ से वैसे ही अभी रजिस्ट्री लिखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप लोगों के ब्लू वाला ये मिलता है आईडी? जी जी। अच्छा, विजिटरों को मेरे ख्याल है ये ऊपर लिखा भी हुआ है। अच्छा, तो यहाँ आने के आपको पे करना होता है? जी जी, बिल्कुल। कितनी? एक बंदे की 400। 400 एक बंदे की? जी। अच्छा, आपको नहीं होता? नहीं, हमें भी होता है, वो हमको $20 पे करना होता है इधर आने के लिए। आप कहाँ से? मैं दिल्ली। दिल्ली से? हाँ जी। हेलो जी, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या नाम है आपका? मुमेश बाज। अच्छा, आप लोग इधर से ही हैं? हाँ जी। ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? ये नरवाली। नरवाल, नरवाल में आता है। हम तो लाहौर से। अच्छा, लाहौर से आप लोग? दिल्ली से। सही, उधर जाना है तो उधर से। अच्छा, उधर से। थैंक यू। अच्छा, ये पानी डाला इसी में? सही किया, मतलब थोड़ा गर्म हो गया यार। एक बहुत ही यूनिक चीज है ये, ग्रास का पूरा पानी है। हाँ, चलने में बहुत सही लगता है। अच्छा, ये सेक्रेट प्लेस है जहाँ पे गुरु नानक देव जी की जो कपड़े हैं यहाँ पे दफनाए गए हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। हाँ जी, तो बाबा जी ने अते फोर्ते अते चांदे का संस्कार किया गया से, जिसमें आप अगर आप हिंदी में बोल सकते? हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये बाबा जी की समाधि स्थान है जहाँ पर बाबा जी के आधे फूल और आधे चादर का संस्कार किया गया था, जिसे हम समाधि या अंगीठा स्लैब बोलते हैं। बाहर वाला स्थान है, वहाँ पर बाबा जी की आधी चादर और आधे फूलों को जो है ना दफनाया गया था, वहाँ पे दफनाया गया। जी जी, बाहर वाले मज़ार या दरगाह साहब बोलते हैं। हाँ जी। आपका नाम? अमृता कौर। अमृता कौर, आप कहाँ से? मैं यहाँ से, पाकिस्तान से। अच्छा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? नारोल। धन्यवाद, थैंक यू। बिलावना लानुआ जामे बजरना को नाही
तेरा जन्म काट खोयो यहरा खो मन माही रहाओ तीर्थ करे व्रत सुन राखे जिन नाला गुरदे मोहे फिरे तिन जोन भवाइए बंधन बांधिया आइए जाइए गुरु सेवा ते रहे पदार्त हृदय नाम सदा किरदार्थ साची लगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ आने का मौका मिल रहा है तो जी हाँ बहुत अच्छा लग रहा है आप कहाँ से सरगोधा से अच्छा कोट मोमन सरगोधा हमें भी ले चले पाकिस्तान हम भी घूमते हैं वेलकम आ जाए हमें वीजा नहीं मिल रहा नहीं तो हम तो कब से चाह रहे कि पाकिस्तान हमारी भी है दिल्ली देखने हाँ जी हाँ जी बस ये वीजा का ही सारा मसला हाँ जी सही बात है ये जो उनसे दरबार हो गई है हाँ जी आप भी ये एक ही रह रहता है तो क्या होता है ऑर्डर नहीं होना चाहिए था ना बस आपका नसीब हमारा नसीब नसीब हो गया बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर चलिए लंगर हॉल किधर है भैया भाईजान अच्छा इधर इधर ही है लंगर हॉल तो देखते कुछ खा लेंगे हम भी यार सुबह से निकले भूखे ब्याह से ये लंगर हॉल है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे आके ना जो प्यार मिल रहा है ना हम लोगों को वो बहुत ही अनबिलीवेबल है कि लोग पाकिस्तान का नाम सुनते हैं ना लोग ये है वो है बोलते हैं बट आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हियर टू बी ऑनेस्ट और ये प्यार बने रहे बस यही कहना तो अभी हम यहाँ का लंगर चखते हैं लंगर खाते हैं फिर आगे चलते हैं पाकिस्तान के जो मार्केट है वो घूमने के लिए तो ये हमको लंगर में मिला है राजमा या चलेगी दाल जैसे हमारे मैं इंडिया से आया हूँ आप पाकिस्तान से आए तो कैसा लगता है आपको बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है आप जाना चाहेंगे इंडिया इंडिया तो जाना चाहिए जान कौन देता है भाई तो कहने से ढंग रास्ता खोल नहीं चाहिए ये बॉर्डर का चक्कर है ना नहीं तो दोनों देश एक ही है बस बॉर्डर का फर्क है है ना तो यहाँ पे ये कितने बजे तक खुला रहता है प्रोग्राम तो 4 बजे तक का 4 बजे वापसी है दुआ जी फिर पाकिस्तानी ने गए रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे आते रहते लंगर जारी रहता मतलब पूरे रात यहाँ रात का दुकान धन्यवाद उतारा आप पाकिस्तान कहाँ से कहाँ से आप पाकिस्तान पाकिस्तान कौन सी जगह करतारपुर साइड से मैं तो इधर घूमने आया हूँ मेरी जगह से आया दिल्ली से दिल आ गया तो हमें आगे भी जाने का मौका दीजिए पाकिस्तान घूमने का नहीं हो सकता ये भी बाबा की कृपा है जरा 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 भी है हाँ जी हाँ जी बाबा की कृपा से यहाँ तक आ गए है ना क्या नाम है आपका मेरा नाम नितेश नाम है मेरा वो साढ़े लाग हाँ जी कुछ सेवा सुबह बस आपका आप लोगों का इतना प्यार मिला वो वही बहुत है काफ़ी है फिलहाल तो धन्यवाद ये पाकिस्तान के कार्ड ऐसे होते हैं विजिटर्स कार्ड
तो ये भाई लोग मिले हमसे, पाकिस्तान से, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिल के। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए जी, थैंक यू आपको प्यार देने के लिए। जी तो कैसे लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? क्या लगता है? हमें तो बहुत प्यार मिला है यहाँ के। प्यार मिला तो घूमना सी है। हाँ। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। शुक्रिया। दिन में बहुत होता है और कोई चक्कर जाएगा इधर से जाना है? हाँ जी इधर से फिर मिलेंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ चलते अब पाकिस्तान मार्केट घूमने के लिए। तो देखते मैंने 1000 INR एक्सचेंज किया है तो देखता हूँ क्या मिलता है इधर पाकिस्तान मार्केट में। सी यू गाइस।